टीपू सुल्तान के गढ़ से निकलेगी कर्नाटक की सत्ता। मैसूर बना कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई का मैदान। जेडीएस के लिए अपने कड़ को बचाने की चुनौती। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किस दल की जीत होगी और कौन सत्ता से दूर हो जाएगा, ये मैसूर रीजन के परिणाम बता देंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए मैसूर बेहद महत्वपूर्ण हो चुका है। कभी टीपू सुल्तान के समय उनकी राजधानी रही मैसूर इस समय राजनीतिक लड़ाई का मैदान बन चुकी है। कर्नाटक के इसी क्षेत्र में तीनों दलों के बीच जबरदस्त रस्साकशी चल रही है। मैसूर को जेडीएस का गढ़ माना जाता है क्योंकि यहां सबसे ज्यादा आबादी वोक्कालिगा समाज की है, जो परंपरागत रूप से जेडीएस का वोटर है। तो अल्पसंख्यक दलित वोटरों के सहारे कांग्रेस भी जेडीएस को टक्कर देने की कोशिश में है, जबकि बीजेपी हिंदुत्व की लहर पर सवार है। लेकिन यह भी साफ है कि बीजेपी इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कमजोर है। कोई भी राजनीतिक दल मैसूर को नजरअंदाज नहीं कर सकता, उसके पीछे कई कारण। पहला, कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों में से अकेले मैसूर रीजन में 64 सीटें हैं। अगर बेंगलुरु की 28 सीटों को और जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 12 में हो जाती है, यानी 40% से ज़्यादा सीट इसी रीजन में है। बेंगलुरु में कांग्रेस का दबदबा दिखाई देता है तो बाकी मैसूर रीजन में जेडीएस का दबदबा है। जेडीएस को मिलने वाली 90% से ज्यादा सीट यहीं से आती हैं, जिस कारण ये त्रिकोणीय मुकाबला तय माना जा रहा है। जिस किसी भी पार्टी ने इस वोक्कालिगा बहुल क्षेत्र में विजय हासिल कर ली, उसके लिए जीत की दहलीज पर पहुंचना आसान हो जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों पूरी ताकत झोंक रही हैं। बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां की 64 सीटों में से जेडीएस को 25, कांग्रेस को 18 और बीजेपी को 11 सीट पर जीत मिली थी। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के संस्थापक एचडी देवगौड़ा भी वोक्कालिगा समुदाय से ही आते हैं, इसलिए इस समुदाय को पार्टी का कोर वोट माना जाता है। हालांकि ये भी बात सही है कि धीरे धीरे इस क्षेत्र में जेडीएस का दबदबा कम हुआ है। इस समुदाय से या मैसूर में जेडीएस की पकड़ कमजोर पड़ने की वजह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार भी हैं। वो भी वोक्कालिगा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत की है। वहीं भाजपा ने मुस्लिम आरक्षण खत्म कर 2% वोक्कालिगा समुदाय को दिया है, जिस कारण उसे भी कुछ फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन जमीन पर जो स्थिति दिख रही है उसमें एक बात साफ है कि जेडीएस हर सीट पर मुकाबले में है। कहीं उसका मुकाबला कांग्रेस से है तो कहीं बीजेपी से, तो अधिकांश सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय है। इस क्षेत्र में दलित और आदिवासी वोटर्स की भी अच्छी खासी संख्या है, ऐसे में वो भी हार जीत में अच्छी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कर्नाटक के दूसरे पार्टी जिसमें तटीय कर्नाटक, महाराष्ट्र कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक सहित दूसरे क्षेत्र हैं, वहाँ अधिकांश सीटों पर सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है और कांटे की टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में अगर मैसूर रीजन में जेडीएस अच्छा प्रदर्शन करती है तो फिर आने वाली विधानसभा की स्थिति 2018 जैसी बन सकती है, जिसमें किसी भी दल को बहुमत नहीं होगा और जेडीएस फिर से किंग मेकर की भूमिका में आ जाएगा। और इसी के चलते बीजेपी और कांग्रेस ने मैसूर पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। बीजेपी के तो कई बड़े नेता यहां आ रहे हैं। चुनाव का ऐलान होने से पहले पीएम मोदी खुद 2 बार मैसूर रीजन पहुंच चुके हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा भी लगातार यहां सक्रिय हैं। चुनाव से पहले बीजेपी ने जिस तरह से मैसूर को लेकर तैयारी शुरू की थी, उससे साफ हो गया था कि बीजेपी के लिए इस बार ये रीजन कितना महत्वपूर्ण होगा। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। जेडीएस के कई बड़े नेता पिछले कुछ वर्षों में पार्टी छोड़कर कांग्रेस और बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इनमें प्रमोद, माधवराज, बी ए जीविया, सी चेंगयप्पा, सी टी प्रकाश और एच विश्वनाथ शामिल हैं। हाल ही में पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस उनकी पार्टी को तोड़ रही है।